हेलो स्टूडेंट्स, आई हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीसीए थर्ड सेमेस्टर में जो हमारा सब्जेक्ट है कंप्यूटर ओरिएंटेड न्यूमेरिकल मेथड। तो उसमें स्टूडेंट्स हम बात करें तो इस प्रीवियस लेक्चर में हमने जो है आपके साथ जनरेशन एनालिसिस को डिस्कस किया। तो जनरेशन एनालिसिस को हमने डिस्कस किया था, आज जो है स्टूडेंट्स हम जनरेशन एनालिसिस को इम्प्लीमेंट करके न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। सो आइए डिस्कस करते हैं न्यूमेरिकल को इन जनरेशन एनालिसिस। The following table gives age x, यानी कि following table जो आपके सामने दे रखी है स्टूडेंट्स, इसमें age जो है वो x coefficient से represent की गई है in years of cars, ठीक है? इसमें कार की years को बताया गया है कि कार की कितने पुरानी कार है हमारे, and annual maintenance cost, and annual maintenance cost जो है स्टूडेंट उसको small y से represent किया गया है। आप देख रहे हो टेबल में x और y यहां पर टेबल में दे रखे हैं, देन x की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, और वैल्यू है 13579। y की बात करें स्टूडेंट्स तो y की जो वैल्यू है वह हमारी x के लिए 15, देन 18, 21, 23 और 22, ठीक है? तो ये हमारे पास टेबल गिवन है x और x जो है हमारा एज को बताता है, यानी कार कितनी पुरानी है ये बताता है, y को बताता है हमारे मेंटेनेंस कॉस्ट को रिप्रेजेंट करता है। अब एस्टीमेट ऑफ मेंटेनेंस कॉस्ट, हमने मेंटेनेंस कॉस्ट निकालनी है जब हमारी कार जो है वह 4 साल पुरानी कार हो, 4-year-old कार, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन। सो आइए स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं रिग्रेशन इक्वेशन के बारे में। तो ये स्टूडेंट्स जैसे प्रीवियस में हम जो हमारा लीस्ट स्क्वायर मेथड था उसमें हमने टेबल से इस तरीके से डेटा को निकाला था, उसी तरीके से हम डेटा को निकालेंगे। जैसे स्टूडेंट है वो दे रखा है x की वैल्यू 1, y की वैल्यू, तो x की वैल्यू 1 है, 3 है, 5, 7, 9, ठीक। इसका समेशन निकाल लेंगे तो समेशन कितना आ गया स्टूडेंट्स का 25। इसका समेशन निकाल लेंगे तो समेशन कितना आ गया इसका 25, देन y 15, 18, 21, 23, 22। इसका समेशन निकाल लेंगे स्टूडेंट्स, इसका समेशन कितना आएगा 99। देन xy मींस मल्टीप्लिकेशन ऑफ x एंड y, यानी 15 × 1 = 15, 18 × 3 = 54, देन 21 × 5 = 105, देन 23 × 7 = 165, सॉरी 161, देन 22 × 9 = 98, ठीक है। अब इसका हमने स्टूडेंट्स क्या करा है, यहां पर समेशन निकाल दिया। इसका समेशन निकाला तो कितना आया हमारा सिग्मा एक्स वाई का 533, ठीक। उसके बाद स्टूडेंट्स निकाल रहे हैं एक्स स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, देन 7 का स्क्वायर 49, देन 9 का स्क्वायर 81। फिर हमने क्या करा स्टूडेंट, इसका टोटल समेशन निकाल लिया। इसका टोटल समेशन निकाला तो क्या आया, एक्स स्क्वायर का टोटल समेशन सिग्मा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 165। अब बात करते हैं यहां पर हम, जैसे हमारे पता है कि हमारा टोटल इंटरवल जो है 5 इंटरवल, तो हमने यहां पर दिया एन की वैल्यू को 5 रख दिया। क्यों? क्योंकि एन की जो है हमारे फ्यूचर में आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने पर जरूरत पड़ेगी, ठीक। अब एक्स बार हमने रिग्रेशन एनालिसिस में भी डिस्कस किया था स्टूडेंट्स आज से, कि जब हमारी कोई भी लाइन ओवर गुजरती है पॉइंट ऑफ रिग्रेशन से तो अपनी मीन वैल्यू सॉल्व करनी पड़ती है, ठीक है। अब इस तरीके से लाइन की इक्वेशन है y - y′ = v/x (x − x′), ठीक है। तो इस इक्वेशन में हमको मीन वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, तो आइए डिस्कस करते हैं मीन वैल्यू को कैसे निकालते हैं। तो मीन वैल्यू अगर सपोज की हम x की मीन वैल्यू निकाल रहे हैं, तो x की मीन वैल्यू निकालने के लिए सिग्मा x / n, और अगर हम y की मीन वैल्यू निकालें यानी y′ निकाल रहे हैं तो सिग्मा y / n, ठीक है सर। इसकी हेल्प से हमारी x' की और y' की वैल्यू निकल जाएगी। अब x सिग्मा x की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स 25, और n की वैल्यू कितनी है 5 25/5 5 हो गया हमारा, और सिग्मा y की वैल्यू कितनी है 99 99/5, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 19 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी कि वन ये है 19.8। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं फॉर्मूले की जो
सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक फॉर्मूला हो जाता है। अब बात करते हैं स्टूडेंट का। ठीक, अब हम देखते हैं यहां पर एन सिग्मा एक्स वाई, सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू देखते हैं दिस वन 523, देन एन की वैल्यू 5, यानी 5 × 533, देन माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स की वैल्यू 25 × 99, देन 25 × 99। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं डिनोमिनेटर की। n into sigma x square, sigma x square की वैल्यू कितनी है फ्रेंड्स, 165, यानी 5 × 165, 5 × 165 माइनस सिग्मा x का होल स्क्वायर। ध्यान रखिएगा सिग्मा x स्क्वायर नहीं लेना, सिग्मा x लिया हमने, सिग्मा x लिया हमने ऐसे, यानी इसका होल स्क्वायर कर दिया 25 का होल स्क्वायर। ठीक है, जब हम इसको स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे हमारे पास जो आंसर आएगा वह आएगा 15.05। ठीक, अब हमने ये वाला यहां पर x की वैल्यू को 4 पुट कर दिया, यानी कि y = 0.95 × 4 + 15.05। ठीक, इसको कैलकुलेटर का कितना आ गया हमारा 18.85। अब इसको 100 रुपीस में जो उठा लाया है तो 100 रुपीस में मेंटेनेंस कॉस्ट होता नहीं है, तो 1885 जो है हमारा मेंटेनेंस कॉस्ट होगा 4 ईयर ओल्ड का। इस तरीके से स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर न्यूमेरिकल सॉल्व करा। मेन बात कुछ ध्यान रखने की स्टूडेंट्स, यहाँ पर न्यूमेरिकल तो यही है आपकी कि सबसे पहले फर्स्टली जो आपको फाइंड करना होगा वह एक्स डैश और वाई डैश को फाइंड करना होगा। एक्स डैश और वाई डैश को फाइंड कर लिया आपने, ठीक है, एक्स डैश और वाई डैश को, और फिर आपको टेबल की हेल्प से जो वैल्यूज मिल जाएगी, सबसे पहले उसकी वैल्यू मिल जाएगी सिग्मा एक्स हमने करना स्टूडेंट्स, एक्स की वैल्यू को पुट कर देना है, वाई की वैल्यू को वाई की
खुद से एक बार इसको करके देखिए, बहुत ही आराम रहे तो एकदम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे इस अमेरिकन जो काफी आसान अमेरिकन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये टॉपिक जो है फ्रेंड्स ये हमारा रिग्रेशन एनालिसिस कहलाता है। इसका कांसेप्ट है वो हमने प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्या डिस्कस कर चुके हैं? रिग्रेशन एनालिसिस में क्या होता है कि हम किसी भी नोन वैल्यू की सहायता से अननोन वैल्यू को निकालते हैं। सपोज जैसे बताया गया था आपको एक्स और वाई नोन है, ठीक है, अगर हम वाई नोन है तो हम एक्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इट्स मीन वैल्यू, यानी कि इसकी मीन वैल्यू की हेल्प से, इसकी मीन वैल्यू की हेल्प से। तो इसके लिए हमें अब जाना कि आगे हम इस तरीके को करेंगे सॉल्व करेंगे, यानी कि हम बिटवीन लाइंस के बीच में किस तरीके से जो है एंगल को निकालेंगे, तो हम उसको अपने आगे आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम इस पर ही एक जो है मेथड सॉल्व करेंगे हम अपने रिग्रेशन एनालिसिस के ऊपर। तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा मेथड था ये हमारा रिग्रेशन एनालिसिस के ऊपर न्यूमेरिकल किए थे आज हमने। सो स्टूडेंट आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छा समझ में आया होगा।